So hey guys, good morning and welcome to my new vlog. अभी बज रहे 3 और आज का vlog मैं किचन में चालू कर रहा हूँ चाय बनाने के साथ. सुबह उठ गया था मैं, लंच वगैरह सब हो गया है, लेकिन vlog में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ. पता नहीं क्यों आज अचानक से मन कर दिया कि चलो दोपहर को स्टार्ट करते. और भाई मम्मी और मैंने कितना प्लान किया था कि वैकेशन में कहीं नई जगह एक्सप्लोर करने जाएंगे, लेकिन सब प्लान पे ताला लग गया. मम्मी के हाथ को लग गया ना उसकी वजह से, और शारदा के पैर में भी चोट आई है, पैर की उंगली में, उसकी वजह से. क्या क्या प्लान नहीं किया था हमने कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन वो एक बेसिन क्या टूट गया, सारे प्लान चकनाचूर हो गए. तो चलो अभी मैं चाय बनाता हूँ. और भाई हमारे यहाँ इतनी धूप है, कल से ऐसी काम नहीं कर रही है. बीच में थोड़ा बहुत काम करना चालू कर दिया, लेकिन अभी वापस से वैसे ही हो गई है, कल जैसी हो गई थी. और इतनी गर्मी है हमारे यहाँ. तो भाई और एक बहुत बुरा सीन हो गया है, दूध फट गया गाइस. दूध फट गया, अभी चाय भी नहीं पी सकते. इतनी बुरी किस्मत किसी की हो सकती है कि वो चाय बनाने जाए और दूध फट जाए. भाई ऐसा जब होता है ना, बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है. तो भाई अभी चाय बनाना कैंसिल, बहुत बुरा लग रहा है यार. सरध्या आप इतनी खुश क्यों हो? हमेशा ही खुश रहते हो. अच्छा बाल देखे अपने बाल. मम्मी अभी दूध लेने जा रही है, चली गई. मम्मी का मूड बहुत ऑफ हो गया, मम्मी को बहुत पसंद है चाय, और मम्मी को भूख भी लगी थी तो सोचा था कि चाय के साथ ब्रेड भी खा लेंगे, लेकिन दूध तो फट गया. अब जब वो शाम को आएंगे ना, उनको बताना पड़ेगा दूध फट गया. अरे यार मम्मी चली गई इतनी धूप में. मम्मी को तो मैंने बोला कि मैं भी आता हूँ, लेकिन मम्मी मान नहीं रही है, कह रही है बहुत ज़्यादा धूप है तो तू घर पे ही रहे. अरे यार बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया. ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या है, इधर देखना, ये क्या है, बाल देखे अपने कैसे हो गए? बहुत अच्छे. अपने बाल देखो कैसी लग रही हो. तो भाई मम्मी ने जो दूसरा दूध लाया वो भी फट गया, और इतनी बेकार स्मेल आ रही. भाई ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है यार, इतनी बुरी किस्मत है भगवान. ये देखो भाई, ऐसा शायद से धूप की वजह से हो रहा है, इतनी ज्यादा धूप है इसलिए. और एक प्रॉब्लम हो गई है, ये एसी भी काम नहीं कर रही तो बंद करनी पड़ी यार. ये धूप की वजह से पता नहीं क्या क्या हो रहा है, दूध फट रहा है, एसी काम नहीं कर रही है, गर्मी हो रही है यार. अब तो पूरा दिमाग खराब हो चुका है भाई, पता नहीं ये बारिश भी कब आएगी. एक तो ऐसी न्यूज आ रही है कि इस महीने बारिश आने ही नहीं वाली, सीधा जुलाई में बारिश आएगी, ऐसा हमने सुना है, अभी कंफर्म तो नहीं है, तो देखते. मैं तो चाहता हूँ जून में ही बारिश आए, थोड़ा सा ठंडा ठंडा माहौल हो जाए. भूख तो लगी है, लेकिन मम्मी के हाथ में लगी हुई है, तो फिर मम्मी तो कुछ नहीं बना सकती, पोहे वगैरह कुछ नहीं बना सकती. मुझे तो सिर्फ मैगी बनानी आती है, और मैगी भी ख़त्म हो गई है घर में, तो बाहर जाना पड़ेगा मैगी लाने. मम्मी अभी गई थी दूध लेने, लेकिन दूध तो लाया तो फट गया. अभी मैं जाता हूँ डेयरी में, मैगी लाता हूँ, और सरध्या के लिए लाता हूँ चिप्स कुरकुरे, जो सरध्या को पसंद है. तो चलो अभी मैं जाता हूँ. 62 तो गाइस अभी मैं घर पे आ गया, और मैगी बनाने के लिए रख दी है यहाँ पे, अभी बन रही है मैगी. और भाई बाहर इतनी गर्मी है, पूरा पसीने से लोथपोथ हो गया हूँ. और आज के ब्लॉग में तो शुरुआत से लेके अभी तक सिर्फ इसी टॉपिक पे बात हो रही है, गर्मी 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 भाई है ही इतनी यार. और सरध्या यहाँ पे खा रही है कुरकुरे. तो गाइस अभी अपनी मैगी रेडी है, तो चलो मैं अपनी हंगर को सेटिस्फाई कर लेता हूँ. अभी पुराने रूम रेंट वाले तो चले गए, तो अभी नए ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए बाहर लिखना पड़ेगा रूम भाड़े नहीं देने आए, मराठी में मतलब रूम रेंट के लिए देनी है. तो देखते हैं अभी कौन से कलर से लिखो. पर्पल. ठीक है चल. और अभी सरध्या खेल रही है इस बबल गन से. ले. तो और अभी हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि घर के ऐसे काम नहीं कर रही है. बाहर तो भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन घर के अंदर बिल्कुल बस. You're seeing a difference now.
It's like a family tree. ये पाउडर ढंग से पोछा करो। पोछा था तो फिर ऐसा क्यों है? अच्छे से पोछो। तो गाइज ऐसे ही घूमने निकले थे तो फिर मेडिकल दिख गया तो सोचा फिनाइल की बोतल ले चलो। भाई देखो इसको कहते हैं रूलिंग लाइक अ बॉस। मीम दिखा था मैंने ऐसा। देखो भाई इसको कहते हैं रूलिंग लाइक अ बॉस। तो अभी हम लोग आ गए हैं बुद्ध विहार रमाई सांस्कृतिक भवन। चलो अभी अंदर चलते। आ ये बाल देखो मेरे कैसे हो गए। तो भाई अभी हम लोग अंदर इंटर कर चुके हैं, देखते हैं अंदर कैसा है। तो चलो अभी अंदर चलते हैं। क्या मैं तो तुम्हारे पीछे आ रहा था, तुम वहाँ कहाँ गए? ये इधर से लगता है एंट्रेंस है, देखो यहाँ पे ताला लगा है भाई। ये एक दरवाजा है, यहाँ पे तो ताला लगा है। हाँ ये आ गए अभी खोलने ताला। तो गाइस ये रही भगवान बुद्ध की मूर्ति और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति, यहाँ पे फोटो। थोड़ी देर इस विहार में रुक जाते हैं, यहाँ पे चेयर भी मिल गई है हमें, और फिर चलते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद घर को वापस। पॉजिटिव वाइब आ रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आके सब कुछ एकदम शांत, एकदम शांत। तो अभी थोड़ी देर रुकते और फिर चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद पूरा माइंड रिलैक्स हो चुका है। तो गाइज हमारे यहाँ ये स्ट्रीट लाइट्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे लग चुके हैं स्ट्रीट लाइट्स, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलते, ये मुंबई पुणे जैसे शहरों में देखने को नहीं मिलते, हमारे यहाँ ये नया नया है। चलो तो गाइज चलो अभी घर पे चलते हैं। और जाते जाते कच्चा चूड़ा भी लेके जाएंगे, आते आते कच्चे चूड़ी की दुकान दिखी थी। तो चलो चलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग कच्चा चूड़ा लेके घर पे आ गए हैं। तो चलो अभी पूरी फैमिली कच्चा चूड़ा एंजॉय करते हैं। तो भाई अभी डिनर टाइम हो गया और डिनर में है खिचड़ी और करेले की सब्जी। तो चलो मैं अभी डिनर कर लेता हूँ। तो भाई आज तो ऐसी रात को भी ठंडी नहीं कर रही। तो फिर हम लोग आ गए डिनर करने के बाद गार्डन में। या अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे है हरियाली, पेड़ पौधे। कल भी गार्डन आना पड़ा, आज भी गार्डन है। और ये पता नहीं एसी को क्या हो गया है, आज तो 50 डिग्री तक पहुंच गया है टेम्परेचर हमारे यहाँ का, 50 डिग्री। यहाँ पे बजरंग बली का मंदिर है। चलो मैं अभी नमस्कार करता हूँ। तो गाइस जब हम लोग गार्डन से घर पे आ गए और आज का दिन भी कल के जैसा ही बोरिंग था, बहुत ज़्यादा बोरिंग था। पूरी गर्मी से भरा, पसीने से भरा, टी शर्ट भी पसीने से भर गया, पूरा मैं पसीने से भीग चुका था दोपहर को। आज तो चाय के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी यार, फिर भी चाय नहीं बनी। आज का दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग था, पूरा गर्मी से भरा। आई होप कल उतनी गर्मी ना हो। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करता हूँ। पसंद आया तो लाइक कर देना, चाय पे नो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।